फ्रेंड्स, दिस इज एसके डार्लिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल वर्धमान से। दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो यहाँ पर ये बोर्ड बहुत ही फेमस है, जो हर एक टेक्नीशियन इंस्टॉल करता है, लेकिन ये बोर्ड परचेस करने के बाद एक फॉल्ट आता है, जो फॉल्ट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहले आप देख लीजिए, बोर्ड का नंबर VS.T56U11.2, इसका बोर्ड का नंबर। ये सभी टेक्नीशियन जानता है, ये बोर्ड का, मदरबोर्ड का, ये मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो ये बोर्ड परचेस करने के बाद कुछ कुछ टाइम में आता है, जो मैं दिखा तो रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, मैं पावर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर देखिए लो इंडिकेट आ रहा है, और दोस्तों ये ऑन भी नहीं हो रहा है अभी। देखिए, मदरबोर्ड खरीदने के बाद कुछ कुछ बोर्ड इस कंडीशन में आता है, मेरे पास भी आया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाऊंगा, जो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ऑन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये बोर्ड में अभी वोल्टेज वगैरह जो है सभी ठीक है, मैं देख चुका हूँ, और इसका अभी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का इशू है। मदरबोर्ड मार्केट से आने के बाद कुछ कुछ बोर्ड में ऐसा रीजन आता है जो सॉफ्टवेयर का इशू है। तो इसमें क्या है, जो आपको पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर करने के बाद ही ये सॉफ्टवेयर नहीं लेगा, तो आपको ये सॉफ्टवेयर RT809H एंड F से करना होगा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में, जे इसमें सॉफ्टवेयर करने के बाद ये बोर्ड चालू होता कि नहीं। ये देखिए, मैं ये VGA से कनेक्ट कर लेता हूँ, ये कनेक्ट कर लिया, और मैं लैपटॉप के साथ प्रोग्रामर कनेक्ट कर लिया। ओके, देन आप लोग देखिए वीडियो को पूरा एंड तक, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फ्यूचर में दोस्तों आप लोगों को पास भी ये बोर्ड ऐसा कंडीशन में आ सकता है, तो आप लोगों को प्रोग्रामर का थ्रू सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बोर्ड चालू नहीं होगा। और दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर करने से पहले आप लोगों को एक गुड इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो मेरा वर्धमान शहर में एक बड़ा बिग सेमिनार होने वाला है, जो नवंबर महीने में 14, 15, 16 इस डेट में फिक्स हुआ है। तो दोस्तों, इस सेमिनार में एसके सोनी सर एंड और भी ट्रेनर आएगा इस सेमिनार में ट्रेनिंग देने के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा इस सेमिनार में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीट बुकिंग कर लीजिए। फिलहाल क्या हुआ है, बहुत सारा सीट बुकिंग हो चुका है इस सेमिनार में, इस ट्रेनिंग में अभी तक सीट बुकिंग चल रहा है, और इस यहाँ पर आप लोगों को रहने खाना पीने का बंदोबस्त सभी है। आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन में जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर में आप लोगों को कॉल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीट बुकिंग कर लीजिए, ये सेमिनार को मिस मत कीजिए, इस ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। जो इंडिया नंबर 1 पैनल मास्टर एसके सोनी सर आ रहा है ट्रेनिंग देने के लिए, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा इस सेमिनार में ट्रेनिंग मिलेगा। तो आज के लिए मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर मैं आगे ले जाता हूं वीडियो को। तो आपको ये RT809H का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, और यहां पर आप देखिएगा ये लो इंडिकेटर में है अभी, और फिर आपको ऑटो ISP में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑटो ISP में जा रहा हूं, ये इंटर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपको ओपन में जाना पड़ेगा, ये ओपन कर दिया। ठीक है, मेरा फाइल D ड्राइव में है,
तो ये 56.11.2 ऑल सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इंटर करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है चाइना रिमोट, तो मैं चाइना रिमोट का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ। जैसे कि 19:20:10 का सॉफ्टवेयर मैं फाइल ले रहा हूँ। ये देखिए ये फाइल बिन फाइल लिखा हुआ है, तो ये बिन फाइल आपको सिलेक्ट करने के बाद ये ओपन आप लोगों को यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है फाइल हैज बिन लोडेड। ये फाइल अभी लोड हो चुका है, आपको देन क्या करना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा। तो ये मैंने राइट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ऑटो इरेजिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस बोर्ड में जो फाइल डेटा है ये पहले इरेज हो रहा है, फिर ये देखिए ये राइटिंग हो रहा है। अभी इरेज इरेज सक्सेसफुली हो चुका है, देन यहाँ पर राइटिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी आप लोग देखिए वीडियो को पूरा एंड तक, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए आप लोग आगे ये सॉफ्टवेयर करने के बाद ये बोर्ड सही होता कि नहीं, ये अभी तक लो इंडिकेटर में है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्यूचर में आपके पास भी ये ऐसा बोर्ड परचेस करने के बाद भी ये ऐसा कंडीशन में आ सकता है आप लोगों के पास, तो आपको ही प्रोग्रामर के थ्रू सॉफ्टवेयर करना है दोस्तों। ये राइटिंग चल रहा है, अभी 50% हुआ है, 50 से आगे जा रहा है। मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। ये राइटिंग हो जाने के बाद ये ऑटो वेरिफिकेशन आएगा, तो आ चुका है, राइटिंग सक्सेसफुली हो चुका है, ये भी वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने का टाइम आपको देना पड़ेगा, और आप पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। जो ये सिर्फ आप लोगों को एक ये वीडियो का माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, जो इसमें आप लोगों के पास भी ऐसा कंडीशन में बोर्ड मदरबोर्ड आ सकता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद भी दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। यहाँ पर आप लोग देखिएगा अच्छी तरह से, ये ऑटो वेरिफिकेशन 83% आ चुका है, इंडिकेटर अभी लो इंडिकेटर में है। अभी देखिए 100% हो जाने के बाद क्या रीजन आता है इंडिकेटर में, आप फॉलो कीजिएगा। ये देखिए इंडिकेटर ये जल गया है पूरा। ठीक है, तो ये अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम इसको ये ऑन भी हो चुका है, तो अभी हम इसको ये जो वीजे केबल है मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं एक बार पावर ऑफ कर देता हूँ, और फिर दोबारा मैं पावर दे दिया, और ये देखिए इंडिकेटर ग्लो हो चुका है, और ये अभी रिमोट से वर्क करता है कि नहीं मैं
ये देखिए रिमोट से वर्क कर रहा है, ये स्टैंड बाय हो गया है और अभी मैं स्टैंड बाय ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया, ये ऑन हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय।